तेलंगाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम हैं सुल्तानपुरी में, जहां एक भीषण आग जो कबाड़ा चुकने वाले जो कागज चुकने वाले मजदूर हैं उनके घरों में आग बड़ी बुरी तरह से यहां लग चुकी है। सबके घर देख के जल चुके हैं। झुग्गी झोपड़ियों का एरिया है, सब यहां जल चुके हैं। ये देखिए बड़ा नुकसान यहां मजदूरों का हुआ है। कागज चुककर बेचारे कबाड़ा चुककर अपना गुजार बसर कर रहे थे। हमारे फायर ब्रिगेड मैन अपनी जान पर खेलकर जो अपना कार्य करते हैं, फायर ब्रिगेड लगे हुए हैं यहाँ आग बुझाने में, और किसी के हताहत होने की कोई यहाँ खबर नहीं है। ये देखिए सभी लोग इधर के रहने वाले हैं। ये भैया भैया इधर आइए, सब यहीं के रहने वाले हैं। हम बात करेंगे अपने फायर ब्रिगेड जवान से जो यहाँ अपनी मुस्तैद ऑफिसर हैं, तो हम उनसे बात करेंगे जो यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं और किसी के यहाँ आग बुझाने का काम बड़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ जी, ये देखिए हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी से यहाँ आग बुझाने में लगे हुए हैं। हम जरा बात करेंगे, हमारे साथ में फायर ब्रिगेड ऑफिसर हैं। सर बताइए, कोई किसी के हताहत होने की कोई खबर है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। कोई अंदर फंसे होने की कोई बात? अभी तक ऐसी कोई भी सूचना हमारे पास नहीं है। कार्य अभी जारी है, इसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे यहाँ पे। सर अपना पद बताइए जरा। मैं सरबजीत सिंह हूँ, स्टेशन अफसर जी। सिविल डिफेंस भी यहाँ जवान आए हुए हैं, तो यहाँ पर बड़ी आग काबू तकरीबन पा चुके हैं। जी जी जी, आग बुझने वाली है थोड़ा सा। कितनी गाड़ियां लगी सर यहाँ पर? 7 गाड़ियां आई थी हमारे पास। 7 गाड़ियां लग चुकी है, तो अभी मौके पर पुलिस भी यहाँ पर है। हाँ, पुलिस भी है, और यहाँ पर जो इंस्पेक्टर है जो यहाँ से पैसे लेके जाता है MCD का, उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो यहाँ पैसे लेता है रिहायशी इलाकों में, ये चल रहा है किशन विहार में, यहाँ नहीं चल रहा, हर जगह बिल्कुल रिहायशी इलाके में किसी भी टाइम हादसा, इससे भी तंगड़े हो सकते हैं। और ये 5वीं बार आग लग चुकी है। MCD इंस्पेक्टर यहाँ से पैसे लेके जाता है, जब जब उससे कहते हैं तो आश्वासन। सुल्तानपुरी उत्तरी दिल्ली में आता है ये, किशन विहार लगता है, किशन विहार उत्तर पश्चिम में आता है। तो इंस्पेक्टर जो MCD का वो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और सबसे सख्त यह है कि पूरी कॉलोनी में रिहायशी इलाकों में ऐसा काम चला रखा है। कबाड़े आम पैसे लेकर जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं जी, सब उसे पैसे लेके जाते हैं, और पूरी गली कभी भी सफाई नहीं करते। कह दोगे उसी गली पर ज्यादा दबाव डालो तो एक गली का कर देंगे, उसके बाद फिर नहीं करेंगे। सबसे भ्रष्ट है यहाँ का जो MCD का इंस्पेक्टर है। आग लगने की आपको कोई खबर पता है कैसे लगी है? आग तो यहाँ 50 परिवार रहते हैं, झुग्गियाँ बना रखे हैं, कबाड़े का सारा उन्होंने काम कर रखा है, तो 50 लोग इसमें रहते हैं। वो खाना बना रहे हो, क्या कर रहे हैं, सब चीज है, लाइट लूट सब कुछ लगा रखा है इसमें। तो ये लोग जो किराया भी खा रहे हैं, सारा बुरा हाल कर रखा है, और रिहायशी इलाके में सबसे बड़ी सख्त कार्रवाई होना चाहिए MCD के खिलाफ, क्योंकि वो सिर्फ पैसे लेता है जी। ये देखिए ये आरोप यहाँ पर MCD पर लग रहा है, नगर निगम पर, और हम आपको दिखाएंगे हमारे जवान जो फायर ब्रिगेड जवान है वो बड़ी मुस्तैदी से यहाँ आग बुझाने में लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ मौके पर जो है, मौके पर यहाँ पुलिस अधिकारी या फायर ब्रिगेड अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर हैं। 7 गाड़ियाँ यहाँ आ चुकी है और आग पर काबू तकरीबन यहाँ पा चुके हैं, कोई हताहत होने की यहाँ खबर नहीं है जी। मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।